आज मैं हूँ आगरा में। दिन की शुरुआत मैंने इस ऐतिहासिक मॉन्यूमेंट से करी जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं। इसको बोलते हैं इत्मत उद्दौला का मकबरा। वगैरह उतारने पड़ेंगे, शूज़ वगैरह आप यहाँ पे आराम से उतारिए और फिर इसके अंदर प्रवेश करिए आप मकबरे को देखने के लिए, जहाँ पे इत्मतुद्दौला और असमत बेगम का मकबरा है। बाकी प्रिमाइसेस आप घूम सकते हैं शूज़ के अलावा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे जब आप देखेंगे आपको सेम टाइप के चार गेट मिलेंगे एंट्री के लिए। जो प्रमुख द्वार हैं वो ये वाला है, आप देख सकते हैं मेरे पीछे, यहाँ से मैंने एंट्री करी थी। जब आप मकबरे के अंदर आएंगे तो यहाँ पे आपको इत्मतुद्दौला और असमत खान उनका मकबरा आपको दिखाई देगा, जो यहाँ सेंटर में है। ये आप जो देख पा रहे हैं, अंदर जालियाँ लगी हुई है इसलिए हम पास तक नहीं जा सकते। आप ये देख पा रहे हैं जो अंदर। इसके अलावा यहाँ पे नूरजहाँ के और भी रिलेटिव के मकबरे हैं। ये आप जो देख रहे हैं ये फाउंटेन है, अभी तो ये बंद है लेकिन पहले के टाइम पे ये चलता था और कोई मोटर वगैरह कोई बिजली वगैरह का प्रयोग नहीं था, बिना बिजली या मोटर के थ्रू ही ये फाउंटेन काम करता था। यमुना नदी पास में ही है तो इसको इस तरह से बनाया गया होगा कि पानी फोर्स के साथ आए और फिर ये फाउंटेन काम करे। ऐसे हमने फाउंटेन्स मुगल टाइम के जो मॉन्यूमेंट्स हैं उनमें देखे हैं और मॉन्यूमेंट्स में भी, ताजमहल में भी हमने देखे हैं इस तरह के फाउंटेन्स जो बिना किसी इलेक्ट्रिसिटी के काम करते हैं।